आगामी होने वाले महानगर पालिका के चुनाव के लिए सभी छोटे बड़े राजनीतिक दल संगठन को मजबूत करने की कोशिश में जुट गए हैं। इसी क्रम में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया दीपक निकालजे गुट की तरफ से कल्याण में सत्ता परिवर्तन कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के सर्वेसर्वा दीपक भाव निकालजे ने आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने भाषण के दौरान निकालजे ने कहा कि आरपीआई की जनता ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा लिखे संविधान को समझने की आवश्यकता है। हमारी पार्टी के लेटर पैड का कितना महत्व है ये भी जानने की ज़रूरत है। इस तरह के शब्दों से दीपक निकालजे ने दलित व अल्पसंख्यक जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। बता दें कि कल्याण के नांदिवली स्थित चंद्रभागा हॉल में आरपीआई निकालजे गुट का कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आरंभ महापुरुषों का अभिवादन करके हुआ। सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय संगठक सुनील खांबे, महिला प्रदेश अध्यक्ष सुनीता चौहान, बालासाहेब पवार, कैलाश जोगदंड, तानाजी मिसल, मिलिंद बेलमकर, दादा साहब ओवाल, मंगेश जाधव आदि मंच पर आसीन थे। पार्टी के कल्याण डुम्बली जिला अध्यक्ष धर्मा वक्ते, सम्मेलन के आयोजक योगेश गायकवाड़, शालिनी भोंडगे, ज्ञानेश्वर हिवाले, अनवर शेख, सचिन कोकने, अनवर सिद्दीकी आदि ने मंच पर आसीन पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों का सम्मान किया। इस दौरान कल्याण डुम्बली उल्लासनगर मोहने के अनेक कार्यकर्ताओं ने पार्टी में प्रवेश किया। सभी को पक्ष नेतृत्व की तरफ से नियुक्ति पत्र सौंपा गया। त्या पक्षाची आमची युती होईल, लवकरात लवकर तुम्हाला या हप्त्यामध्ये तुम्हाला अभिप्राय। कल्याण डोंबिवलीमध्ये किती उमेदवार उभे करणार? आम्ही जास्तीत जास्त उमेदवार कल्याण डोंबिवलीमध्ये ठेवणार। सत्ता परिवर्तन म्हणजे नेमकं काय करणार? सत्ता परिवर्तन म्हणजे नेमकं आमची लोक सत्तेमध्ये भागीदारी राहतील त्याला सत्ता परिवर्तन। या समाजावर अन्याय झाला असा वाटतंय का? समाजावर अन्याय वारंवार होतच आहेत ना, इतक्या वर्षापासून होतच आहेत समाजावर अन्याय। पण आता कुठेतरी आमचा समाज स्ट्रॉंग झालेला आहे आणि ज्यांच्यावर अन्याय होतो त्याच्या विरुद्ध आम्ही लढाईची ताकद ठेवलेली आहे आणि आमची पुढे अशी ही लढाई चालू आहे। कल्याण डोंबिवलीच्या जनतेला काय संदेश देणार? कल्याण डोंबिवलीच्या जनतेला हा संदेश देऊ आम्ही, आमचे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा पक्ष आहे, या पक्षाला साथ द्या म्हणजे आम्ही तुम्हाला न्याय देऊ।